अक्सर ये होता है कि हम जब ट्रैवल कहीं बाहर जाते रहते हैं तो कई लोग हैं जो कि है ना टिकट करा लिए, होटल बुकिंग करा लिए, जो भी साइट सीइंग टूर है वो सब उन्होंने फाइनल कर लिया, लेकिन कभी ट्रैवल इंश्योरेंस नहीं लेते। एक्चुअली मैं ट्रैवल इंश्योरेंस ज़रूर हमें लेना चाहिए। कारण क्या है, मैं आपको कुछ बेनिफिट्स क्या बोलना ही बोलना चाहिए, बेनिफिट्स ही बोलेंगे, पर उसके जो क्या क्या एडवांटेजेस हैं वो मैं आपको मैं बता दूंगा ट्रैवल इंश्योरेंस के। देखिए, फ्लाइट्स डिले होती है, कैंसिल होती है, या फिर आपका जैसे आप डायरेक्ट फ्लाइट ना हो करके आपको एक जगह जाना है फिर वहाँ से दूसरी फ्लाइट लेना है तो वो कैंसिल हो सकती है, तो आपका ट्रिप पूरा फ्लॉप हो जाएगा। अगर यहाँ से सपोज़ अगर मैं यहाँ से शारजा जाता और शारजा के आगे वाली टिकट जो फ़्लाइट है मेरी मॉस्को की वो कैंसिल हो जाती तो मेरा क्या होता, पूरा मेरा प्लान चौपट हो गया होता। तो ऐसे टाइम पे ये ट्रैवल इंश्योरेंस काम आता है, ऐसे टाइम पे ये ट्रैवल इंश्योरेंस हमें इंश्योरेंस देता है और प्लस हमें अकोमोडेशन भी प्रोवाइड करता है। एक बेनिफिट ये हो गया कि कैंसिलेशन में और डिले में भी कुछ घंटे डिले होती हैं तो आपको कंपनसेट करती है इंश्योरेंस कंपनी। दूसरा ये है कि आपके बैग्स आपके खो जाएं या लेट आएं तो उस समय भी आपको कंपनसेट किया जाता है। ये ऐसी चीज़ है जो कि अक्सर होते रहती है फ्लाइट, अगर आप ट्रैवल करेंगे तो कोई नई बात नहीं है, अक्सर होते रहती है। तो ऐसे टाइम पे आपको ज़रूरत पड़ती है पैसों की। अगर आपका डिले हो गया आप कहाँ रुकेंगे, आपको अरेंजमेंट सब करना पड़ेगा उस समय, तो उस समय एक काम में आते हैं इंश्योरेंस कंपनी। और दूसरी बात यह है कि अगर आप यहाँ ट्रैवल कहीं फॉरेन कंट्री में ट्रैवल कर रहे हैं और कुछ हो गया, आप बीमार पड़ गए या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा कितना है मालूम है? हॉस्पिटलाइजेशन का कोई भी कंट्री में जाएंगे वहाँ के जो लोकल पब्लिक हैं और जो फॉरेनर्स हैं दोनों के रेट्स अलग अलग रहते हैं। अगर मैं बीमार पड़ूंगा कोई भी किसी भी कारण से और हॉस्पिटलाइज हुआ इंडिया में तो मुझे एक फिक्स अमाउंट लगेगा। कोई बीमारी के लिए कोई फॉरेनर आएगा और वो हॉस्पिटलाइज होएगा तो उसके लिए रेट्स अलग रहेंगे। तो ये हर जगह होता है, कोई नई बात नहीं है ये भी। तो अगर ऐसे हुआ तो आप क्या करेंगे, आपको खर्चा तो करना पड़ेगा लेकिन आपने इंश्योरेंस लेके रखा हुआ है तो आपको जस्ट इंश्योरेंस के पेपर्स दिखाने और बस आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा, तो वो कॉस्ट आपका काफ़ी बचेगा। और विश्वास कीजिए, एक बार हॉस्पिटलाइज होंगे ना तो हज़ारों में नहीं लाखों में खर्चे होते हैं। एक्सीडेंट के होए, आपके द्वारा एक्सीडेंट हो जाए कोई तो वो भी इसको कवर करता है ट्रैवल इंश्योरेंस। और तीसरी बात यह है, भगवान न करे कुछ हो जाए और डेथ हो जाए, ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे केस में हमें बॉडी को वापस अपने कंट्री लाना पड़ता है। आपको एक बात बता दूं मैं कि अगर ऐसा होता है, सिचुएशन आती है तो खर्चे काफ़ी लगते हैं, मतलब उसमें डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप एक लिविंग बींग को नहीं ले जा रहे हो, एक डेड बॉडी को लेकर जा रहे हो, तो काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन होता है और डॉक्यूमेंटेशन में फीस देना पड़ता है। फिर फ्लाइट अगर आपको एक जिंदा आदमी को ले जा रही है तो उसका रेट अलग है और एक डेड बॉडी को ले जा रही है उसका रेट बहुत अलग है, बहुत ज़्यादा है, तो वो खर्चे भी बहुत होते हैं। मेरे को ऐसे मालूम है कहानियाँ, ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिसमें एक बंदा थाईलैंड गया था, वहाँ उसकी डेथ हो गई थी। उनके पेरेंट्स को उतना पैसा नहीं था कि उसको बॉडी को वहाँ से वापस इंडिया ला सके, उन्होंने वहीं पर उसका क्रीमेशन कर दिया। तो ये सब चीज़ें भी रहती है, तो ये सब इसमें कवर रहती है अगर आपने इंश्योरेंस लेकर रखा है। भगवान न करे किसी के साथ हुए, लेकिन इंश्योरेंस तो चीज़ ही वही चीज़ है जो नहीं हो सकता है, कभी भी हो सकता है और हमने नहीं देखा है, उसके लिए हम अपने आप को इंश्योर करते हैं, तो इसलिए भी ये इंश्योरेंस काफ़ी ज़रूरी है। और चौथी बात यह है कि आजकल ज़्यादातर कंट्रीज़ आपको वीज़ा देने के लिए इंश्योरेंस भी मांगती है। इंश्योरेंस के बगैर आपका वीज़ा नहीं मिलेगा। जैसे आप यूरोप जाएंगे तो शेंगेन वीज़ा में आपको इंश्योरेंस भी मांगते हैं। यहाँ पे इमिग्रेशन में
जब मैं मॉस्को आया था तो वहाँ पे उन्होंने मुझसे मेरे से इंश्योरेंस पेपर मांगे, तो मैंने उनको इंश्योरेंस के पेपर दिखाए, तो उन्होंने फिर स्टैम्प वैम्प लगा के मुझे अंदर एंट्री करने दिया। मुझे ये नहीं मालूम यहाँ कंपलसरी है कि नहीं, पर उसने मुझसे ज़रूर मांगे थे, और मेरे पास अगर नहीं होता तो शायद अब मैं आपको दो चार सवाल और पूछता या फिर मुझे बता सकता हूँ, जो कि इसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। इंश्योरेंस ये सब चीज़ों के लिए काफ़ी जरूरी, हालांकि लिस्ट काफ़ी, लिस्ट तो इतनी नहीं है, पर ये मैंने कुछ, ये मैंने ट्रैवल इंश्योरेंस लिख के रखा है तो उसके पेपर्स हैं मेरे पास, तो मैं आपको कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। एक होता है कॉस्मिक ट्रीटमेंट और प्लास्टिक सर्जरी इन एनी फॉर्म और मैनर, मतलब कि अगर आप कोई प्लास्टिक सर्जरी कराने जा रहे हैं, प्लास्टिक सर्जरी कराने जा रहे हैं तो आपका खर्चा बेयर नहीं करेगा इंश्योरेंस का। दूसरा, मेंटल और साइकेट्रिक डिसऑर्डर HIV/AIDS, ऐसे केस में भी कवर नहीं होते हैं। पार्शियल लॉस ऑफ आइटम इन द चेक इन बैगेज, उसमें भी नहीं होंगे। लॉस ऑफ वैल्यूएबल्स एंड मनी, थेफ्ट ऑफ पासपोर्ट अनलेस रिपोर्टेड टू पुलिस विद इन 24 आवर्स। और एक और चीज़ है, अगर आप कोई इलाज, मेडिकल कंडीशन है आपके, आपको पहले से ही कोई बीमारी है और आप उसका इलाज करने के लिए फॉरेन जा रहे हैं, ओके, आपने इंश्योरेंस लिया और आपने वहाँ गए और वहाँ पे इलाज करा दिया, तो ये तो मालूम पड़ जाता है इंश्योरेंस कंपनी को कि आपके ये प्री एग्जिस्टिंग थी कि ये आपके उसे बाद में हुई है करके, तो ऐसे केस में भी इंश्योरेंस आपका पेमेंट नहीं करेगी। और अगर आप कोई एडवेंचर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किए और आपको इंजरी हुई, एक्सीडेंट हुआ, तो भी आपका क्लेम आपको नहीं मिलेंगे पैसे इंश्योरेंस कंपनी से। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि रिस्ट्रिक्ट कर रही है। और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज, ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज़, अगर आपने कहीं ज़्यादा ड्रिंक कर ली और फिर कुछ हो गया आपको, या फिर ड्रग्स लिए, या फिर अपने आप को खुद हार्म किया आपने तो, और फिर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, तो ऐसे केस में आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा नहीं देगी। तो ये कंडीशंस तो हर जगह रहते ही हैं, अदरवाइज लोग मिसयूज़ करते हैं इंश्योरेंस का। इसका मतलब ये नहीं कि हमें इंश्योरेंस नहीं लेना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है, ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत सस्ता है। ये इंश्योरेंस होता है एक्चुअली नंबर ऑफ, कौन सी डिपेंड करता है, कौन सी कंट्री जा रहे हैं आप, कौन सी कंट्री में कितने दिन रुक रहे हैं, उसके हिसाब से इंश्योरेंस तय होता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम तय होता है, राइट। इसमें आपका कोई प्री मेडिकल मेडिकल टेस्ट नहीं होता है आपको, क्योंकि आप ये मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है इसलिए आपका कोई मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। और प्रीमियम जैसे मैं बता रहा था कि काफ़ी कम होता है। अब जैसे मैंने जो लिया है बेसिक सम अश्योर्ड, कुछ 5 लाख या 10 लाख का डॉलर का आंकड़ा मैंने वो लेके रखा है, मेरा टोटल प्रीमियम आया 1584 रुपीज़ आया प्रीमियम, तो काफ़ी कम है और 10 दिन का था। नंबर ऑफ़ डेज़ पे भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ डेज़ कम रहेंगे तो शायद प्रीमियम थोड़ा कम रहता है, तो नंबर ऑफ़ डेज़ ज़्यादा रहते हैं तो प्रीमियम ज़्यादा रहता है। US और कनाडा का अलग रहता है और बाकी जगह का अलग रहता है। कोई कोई इंश्योरेंस कंपनी में US, कनाडा अलग, यूरोप अलग, एशिया अलग, इस टाइप के रहते हैं। तो प्लेस और नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से आपको इंश्योरेंस प्रीमियम तय होता है। तो मेरे हिसाब से ट्रैवल इंश्योरेंस तो मस्ट है, ये आपको पीस ऑफ माइंड देगा। आप इतना खर्चा करते हैं फॉरेन ट्रिप के लिए, थोड़ा सा 1000-1200 एक्स्ट्रा खर्चा कर लीजिए, आपको संतुष्टि देगा, आपको पीस ऑफ माइंड देगा कि अगर कुछ हो जाए तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।